हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टेक के वी पे और मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ है और टेक्नोलॉजी एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपेरेंट फ़ोन लॉन्च हो गया है। दोस्तों इसी के बारे में हम खुलासा करेंगे और काफ़ी कुछ आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की बटन प्रेस कर लें, उसके बगल में बेल की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, तो जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचेगी। दोस्तों आइए इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और शुरू करते हैं और बताते हैं हम आपको कि जो वर्ल्ड का सबसे पहला एक ट्रांसपेरेंट फ़ोन है ये लॉन्च हो गया है। और दोस्तों इसे बनाने वाली कंपनी है जो वो लिनोवो है, और लिनोवो का एक नया ब्रांड जो है ज़ुक ZUK ये एक लॉन्च किया है, एक नया ट्रांसपेरेंट फ़ोन, और जिसका नाम उन्होंने दिया है ज़ुक Z1। तो दोस्तों ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोटोटाइप फ़ोन है जिसकी बेजल्स सिर्फ एक मार्जिनल बेजल्स है, बहुत ही पतली बेजल्स है, और इसके बाद पूरा फ़ोन जो है बेजललेस कह सकते हैं। कि एक स्क्रीन दी गई है, मिरर स्क्रीन दी गई है जिससे आप आर पार देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें वो सारी खासियत है जो कि एक स्मार्टफोन में होना चाहिए। नीचे एक छोटा सा बार की तरह दिया हुआ है जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स, सारी हार्डवेयर जो बोल सकते हैं सारी वही बॉटम में ही दी गई है, और एक सिंपल सा मिरर स्क्रीन दिया गया है जिसपे आप टच स्क्रीन कर सकते हैं, और जैसे ही स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं उसी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी के बारे में आप मैं बता देता हूं। तो लगभग जो एक अपना ट्रेडिशनल फ़ोन है उसी फ़ोन की तरह ये दिखता है, और इसमें आप एंड्रॉयड की सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, और आप इसमें गेम खेल सकते हैं, इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा नया जो कि हमने काफ़ी न्यूज़ में सुना हुआ था पहले, और ये ऑलमोस्ट लिनोवो ने कर दिखाया है और अभी प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा इसमें ZUK Z2 भी लॉन्च किया है जो कि उससे Z1 से काफ़ी इफ़िशियंट है, और ZUK Z2 उसके बारे में बात करें तो Z1 से ये कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, और जो इसका डिस्प्ले आता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले आता है। इसमें अभी तक इसके प्राइस का जो खुलासा है वो नहीं किया गया है, फिर भी ZUK स्मार्टफोन की प्रोटोटाइप जो ये ट्रांसपेरेंसी है इसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है कि इसमें एक फ़ोटो दिखाई जा रही है और उसमें काफ़ी हाई डेंसिटी पिक्सल्स के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि काफ़ी अच्छे पिक्सल्स में आप इसमें फ़ोटोज़ देख सकते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी देख सकते हैं।